लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट टॉपिक शुरू किया था कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन की थी हमने, और कौन कौन से मीडियम थे जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजिंग कर रहे थे वो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। हमने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम डिस्कस किए थे, जो मीडियम ये बता रहे थे कि एडवर्टाइजिंग जो है हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से उसे यूज करते हैं। जैसे हमने किया था प्रेस मीडिया किया था, आउटडोर एडवर्टाइजिंग किया था, कॉन्टेस्ट वाला किया था, डिस्काउंट वाला किया था, मतलब हर तरीके के जो हमने एडवर्टाइजिंग के मीन्स किए थे वो हमारा लास्ट सेशन था। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम जा रहे हैं मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इकोनॉमी कैसे है एडवर्टाइजिंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एडवर्टाइजमेंट करने में ना हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है ये। बट मैरिट्स में कह रहे हैं कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसे कहिए, ये देखिए इकोनॉमी आप कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग को, किस तरीके से इकोनॉमी कह सकते हैं आप। एक टाइम में एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, बहुत सारे लोगों के पास हमारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। एक टाइम में एडवर्टाइजिंग बहुत सारे लोगों के पास हमारे क्या होती है। देखिए अब हम डीमेरिट्स करते हैं कि एडवर्टाइजिंग के डीमेरिट्स क्या होती है। अभी हमने मेरिट्स की है, हम अब डिस्कस डीमेरिट्स।
स्किप तो नहीं कर दिया है, उसे देखे भी नहीं आगे ना, चैनल चेंज नहीं कर दिया है। ओके, फिर इंटीरियर गुड्स, अगर आप ऐसे गुड्स की एड कर रहे हैं जो इंटीरियर है नेचर में, तो कुछ एक टाइम के लिए तो मार्केट में वो बिक जाएंगे, बट उनके इंटीरियर नेचर की वजह से वो लॉन्ग रन के लिए मार्केट में नहीं बिक पाएंगे। ओके, तो इंटीरियर गुड्स की आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अब हम करने जा रहे हैं रोल क्या रहता है एडवर्टाइजिंग का, ठीक है, कि एडवर्टाइजिंग का रोल आपके लिए क्या रहेगा आपके डे टू डे लाइफ में।
इसके बाद का जो टॉपिक है बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो आप लोगों को खुद से करना है। क्यों? क्योंकि मेन मेन मेरिट्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट इसके बेनिफिट्स जो है वो जस्ट लाइक द मेरिट्स ही हैं। आप अच्छे से उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, चार लोगों के लिए दे रखा है यहाँ पे बेनिफिट टू बिजनेस, के बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट रहेगा। उसके बाद बेनिफिट टू कस्टमर्स, कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। फिर मिडिल मैन को क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। और लास्ट में दे रखा है कि सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। ओके, तो जो बेनिफिट्स हैं सोसाइटी के और इन सब के, वो भी वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इजीली समझ सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि आपने एडवर्टाइजिंग क्या होता है ये पढ़ लिया, उसके टेक्निक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, मेथड कौन कौन से होते हैं, मीडियम कौन से हैं, रोल कौन से हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप जो है बेनिफिट्स इजीली समझ सकते हैं कि बेनिफिट क्या क्या होंगे, ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, आप लोग पहले से भी अपने डे टू डे लाइफ में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट है क्या, किस तरीके से होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ओके, तो अब हम जो करने चाह रहे हैं वो करने चाह रहे हैं टेक्निक्स, कि टेक्निक्स कौन कौन सी होती है एडवर्टाइजिंग की, कौन कौन से टेक्निक्स है जो एडवर्टाइजमेंट करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, देखिए टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं, कि टेक्निक्स कौन कौन से रहती है। हमें बताइए कि क्या रिजल्ट निकलता है, आपका रिजल्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, एक्स वाई जेड।
जो मतलब कि इससे ज्यादा न्यूट्रिशन वाला होगा या ये उससे ज्यादा न्यूट्रिशन है। मेडिसिन्स की ऐड आती है कई बार, कोलगेट की ऐड आती है, हॉर्लिक्स की ऐड आती है, लेज चिप्स की ऐड आती है, ये सभी अनफिनिश्ड एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी जाती है। ओके आगे देखिए, वीजल वर्ड्स, वीजल वर्ड्स का मतलब देखिए, इसमें क्या करता है एडवर्टाइजर, ना तो ये कहता, मतलब ये भी कहता कि हम सबसे बेस्ट है, बट उससे डिनाई भी करता कि हम नहीं है। जैसे आपने वो ऐड देखा होगा आज के टाइम में हेड एंड शोल्डर का क्या चल रहा है, अब कभी नहीं आएगा डेंड्रफ के लिए होता है ना वो, कि अब कभी नहीं आएगा, लेकिन इसको आप एक वीजल वर्ड शो कर रहे हैं कि अगर आप इसमें इस तरीके के अंदर क्या करते हैं,
लाइजोम की आती है, ओडोमोस की आती है। ओडोमोस में आपने देखा होगा एक को दिखाते हैं वो फैमिली जिन्होंने ओडोमोस यूज नहीं किया, और दूसरा दिखाते हैं वो फैमिली जिन्होंने ओडोमोस यूज किया, उनके अराउंड एक सर्कल बनाता है कि मच्छर नहीं काटे। ओके, दैट मींस आइडियल फैमिली का आइडियल काइंड आपको दिखा करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट होती है वो आप लोग ये बैक्टीरियोटी होती है। इसके अलावा देखते हो कौन कौन से रहते हैं, क्वेश्चन द कस्टमर, कस्टमर से क्वेश्चन पूछ करके, जैसे देखिए सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ऐसी ऐड जो डायरेक्टली शो नहीं की जा सकती, ठीक है, ऐसे एडवर्टाइजर जो अपनी ऐड को डायरेक्टली शो नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, किसी और दूसरे ऐड के थ्रू ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे लिक्विड की जो ऐड आती है, ठीक है, लिक्विड की जो ऐड आती है, लिक्विड का विक्रय अपनी ऐड डायरेक्टली नहीं करता, वो क्या करता है सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं उनके साथ अपनी ऐड करता है, ठीक है। तो ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें जो एडवर्टाइजर को डायरेक्टली डायरेक्टली
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।